वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मेमो मामले पर फौज और हुकूमत का मौकिफ एक है, कोई इदारा जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहता। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। फरतुल्ला बाबर का कहना है कि आर्मी चीफ ने सदर की खैरियत दरियाफ्त की। सिंध और बलोचिस्तान की सनतों और पावर प्लांट्स को 24 घंटे के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन, 14 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, असलहा बरामद। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सालाना इंतखाबात आज हो रहे हैं, सदारत के लिए उमर शरीफ और अहमद शाह मद्दे मुकाबल। दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस आज लाहौर में होगी, इंतजामात को हतमी शक्ल दे दिए गए। मौलाना समीउल हक कहते हैं कि नेटो हमलों और भारत को पसंदीदा मुल्क करार देने के खिलाफ अवामी फैसला आ जाएगा। पाकिस्तानी टेनिस स्टार एसामुल हक शादी के बंधन में बंध गए, तकरीब में अजीज व अकारिब और दोस्तों की बड़ी तादाद की शिरकत। पुर्तगाल में एक फलाही तंजीम ने चंदा जमा करने के लिए 50,000 मोमबत्तियों से सितारा बना डाला। और इंडोनेशिया में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 200 से ज्यादा अफराद लापता।